यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जम्मू कश्मीर की राजनीति में अचानक आए उफान ने हर किसी को चौंका दिया है। बीजेपी ने मंगलवार को पीडीपी से अपना समर्थन वापस लिया और देर शाम तक राज्य में राज्यपाल शासन लागू हो गया है। गुरुवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी बीजेपी के गठबंधन पर तंज कसते हुए एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में फिल्म के सीन का कुछ हिस्सा है जिसमें दो किरदार आपस में नकली लड़ाई करने की बात करते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि पीडीपी और बीजेपी अपनी राजनीतिक रणनीति को बनाने के लिए बॉलीवुड फिल्मों को देख रही थी। उन्होंने अपना तलाक कुछ इस तरह से तैयार किया है। एक शानदार फिक्स स्क्रिप्ट तैयार की गई है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि जनता और हम लोग बेवकूफ नहीं हैं जो उनके नाटक को समझ नहीं पाएंगे। तो यहां पर ट्वीट किया गया है उमर अब्दुल्ला के द्वारा, और जो भी बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन टूटा है उसे एक फिल्मी सीन करार दिया है और ये कहा है कि एक नाटक रचा गया है, लेकिन इस बीच जनता मूर्ख नहीं है, जनता को और हमें सब कुछ समझ आ रहा है। तो ट्वीट करके तंज कसा गया है बीजेपी और पीडीपी पर और ये कहा गया है कि जो रिश्ता टूटा है वो पूरा स्क्रिप्टेड है और यहाँ पर फिल्मी सीन करार दिया है उमर अब्दुल्ला ने। और जम्मू कश्मीर की राजनीति में खास व्यक्ति माने जाते हैं उमर अब्दुल्ला, और इस बीच उनका ट्विटर के तहत एक बयान आता है और ये कहा जाता है कि पूरा स्क्रिप्टेड है, नाटक है बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन टूटना।